चुनाव में यही कहना है, सभी मतदाता सबसे पहले मतदान करें, वोट देने जरूर जाएं, राष्ट्र हित में, सनातन हित में, राम हित में जरूर वोट करें। राष्ट्र के लिए यह योगदान बहुत जरूरी है। भारतवासी सभी प्रसन्न रहे, भारत हिंदू राष्ट्र हो, राम राज्य की स्थापना हो और बहुत ही जल्दी भारत से जातिवाद का जहर मिट जाए, यही हम पूरे भारत में यात्रा लेकर निकले हैं। मुरादाबाद आकर बहुत आनंद लगा, बस मुरादाबाद का नाम अच्छा नहीं लगा। भारत में बहुत से जगहों के नाम बदले गए, इलाहाबाद का प्रयागराज कर दिया, फैजाबाद का अयोध्या कर दिया, मुरादाबाद का माधव नगर कर देना चाहिए, राशि एक ही रहेगी, प्राचीन नाम तो कुछ और है, माधव नगर बड़ा सुंदर। गुरुजी आपकी दृष्टि में धर्म विरोधी कौन है जिनकी छतरी बंधनी चाहिए? जो सनातन को डेंगू मलेरिया कहते, जिन्होंने अभी कर्नाटक में हनुमान चालीसा बजाने वाले युवक को मारा है, यह सनातन विरोधी है, यह धर्म सनातनीय जो है सनातन के लिए यह जहर है, यह कैंसर है, यह जो है बवासीर बीमारी है, यह छतरी बननी चाहिए। महाराज जी सभी मतदाता सबसे पहले मतदान करें, वोट देने जरूर जाएं, राष्ट्र हित में, सनातन हित में, राम हित में जरूर वोट करें, इसके लिए यह योगदान बहुत जरूरी। भारतवासी सभी प्रसन्न रहे, भारत हिंदू राष्ट्र हो, राम राज्य की स्थापना हो और बहुत ही जल्दी भारत से जातिवाद का जहर मिट जाए, यही हम पूरे भारत में यात्रा लेकर निकले हैं। मुरादाबाद आकर बहुत आनंद लगा, बस मुरादाबाद का नाम अच्छा नहीं लगा। भारत में बहुत से जगहों के नाम बदले गए, इलाहाबाद का प्रयागराज कर दिया, फैजाबाद का अयोध्या कर दिया, मुरादाबाद देना चाहिए, राशि एक ही रहेगी, प्राचीन नाम तो कुछ और है, माधव नगर बड़ा सुंदर है। जो सनातन को डेंगू मलेरिया कहते, जिन्होंने अभी कर्नाटक में हनुमान चालीसा बजाने वाले युवक को मारा है, यह सनातन विरोधी है, यह धर्म सनातनीय जो है सनातन के लिए यह जहर है, यह कैंसर है, यह धर्म विरोधी है, यानी कि ठठरी भरनी चाहिए। महाराज जी